ये पकाया जा रहा है देसी चिकन, इसको क्या बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में? देसी कोर। देसी कोर। ये बताइए इसमें क्या क्या डाले हैं अभी? क्या मिर्ची, हल्दी, प्याज, थोड़ा तेल, थोड़ा तेल। तेल कौन सा मिला है? सरसों का तेल? सरसों का है ये देखो। सरसों का तेल जी। अच्छा, टमाटर वगैरह? टमाटर भी डाल दिए। अभी डाल रहे हैं इमली। इमली, इससे खट्टापन आ जाएगा थोड़ा। अभी हो गया। अब हो गया? हो गया। पक गया ये? पक गया। अरे अभी और पकेगा थोड़ा। पकने देंगे, लेकिन कंट्री चिकन तो पकने में टाइम लगता है थोड़ा। देसी कोर जो आप बोलते हैं उसको, हाँ, समय लगता है। ऐसे ही झोल वाला बनता है, रस वाला है दादा? और इधर क्या बना रहे हैं? क्या बोलते हैं इसको? कटहल है। कटहल, इसमें क्या क्या डाले हैं? सिर्फ टमाटर डालने हैं। इमली खाया जाए है? उसको नमक में लगा के आप भी थोड़ा खाइए और हम भी खाते हैं। आइए। एवं खट्टा मीठा, खट्टा मीठा इसका, उसके साथ सल्फी या महुआ हो कब मजा आएगा है? इमली जो है आप लोग खाना में बहुत इस्तेमाल करते हैं ना जी। नांगल माटी में भी डालेंगे? डालेंगे सर। है अभी डालना है वो सब्जी आप बना रहे हैं पीछे नांगल माटी का, वांगा के साथ, मीडिया मीडिया जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च है। क्या बात, गागर दादा अपना गांव घुमाए ले जा रहे हैं, अपना घर दिखाएंगे, इमली खाएंगे और सल्फी पियेंगे। सल्फी इधर है, आप पीते हैं? पीते हैं सर, लेते हैं सर, तो अभी नहीं है, जब सब रहे होने से था, अभी तो नहीं मिलता। अच्छा, चलने वाला नहीं। दादा आपका नाम क्या? लालू प्रसाद। नन्नू प्रसाद? लालू। लालू, अरे बिहार के मुख्यमंत्री थे वो तो। हाँ लालू प्रसाद कोई आईडी इसमें चलती जा रही है? नहीं चलती जा रही है, हांडी तो है, चार चार इस पे सेल्फी है, तीन चार। कौन चढ़ता है इस पे? डेगर वाले चढ़ता है, लेकिन ये नहीं कहां है तो नहीं है। सेल्फी बेचते हैं? बेचते हैं जब भी बेचते हैं। इस पेड़ का नाम क्या होता है? सेल्फी पेड़। सेल्फी पेड़ जी। इसमें कट लगाए थे अपना, ये टपकता रहता है, हैं? कितना दिन लग जाता है एक हांडी भरने में? चार महीना में एक हांडी भरता है? नहीं, एक गेड़ा खत्म होता है। टपकता रहता है लगातार ना? एक हांडी कितने दिन में भर जाता है? एक दिन में? एक दिन में एक हो जाता है। एक रात में? रात में लगाते हैं, सुबह उतारते हैं? रात को वो कट मारते हैं और लगा देते हैं, सुबह उतारते हैं। अच्छा, रसन नहीं ज्यादा आने से शाम को भी उतारते हैं? रिक्वायरमेंट शाम को पीना है तो सुबह वो ड्रिप होता है, लेकिन जो रात वाला रहता है वो कम अल्कोहलिक होता है। सनराइज जितना पड़ेगा उतना ज्यादा उसमें वो होता है। कितना फर्मेंट होगा धूप लगने से उतना स्ट्रांग होते जाता है? तो जो सुबह वाला जो टपक के आता है जो शाम को निकालते हैं वो ज़्यादा अल्कोहलिक होता है, और जो रात को कट करके शाम को कट करके जो सुबह पीते हैं वो कम अल्कोहलिक। उसमें धूप नहीं लगती? धूप नहीं लगती है तो फर्मेंटेशन अच्छा रहता है पेट के लिए, आपके स्टमक डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये चीज़। और जिनका स्टमक थोड़ा सा इशू भी कर रहा है वो क्लियर भी कर देता है। अच्छा, ये सल्फी और फिर आगे छिंदरस भी होता है जैसे ये इधर भी है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं वो वाले? हाँ हाँ, छोटे छोटे हाइट के जो हैं। हाँ, वो छिंदरस बनाते हैं, उसका भी अल्कोहल होता है? हाँ, वो भी ड्रिंक रहता है, वो थोड़ा सा मिठास रहता है उसमें छिंदरस का। छिंदरस से ही सूरम भी छिंदरस से भी बना लेते हैं। छिंद का गुड़ भी बन जाता है, जो यहाँ का गुड़ होता है, यहाँ पे तो शुगर कैन था नहीं पहले, तो जो गुड़ बनते थे वो छींद के रस से गुड़ बनते हैं। और ये छोटे छोटे डेट्स जो आपके होते हैं खजूर, जो वो बड़े साइज़ के होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं जिनका महीना चले गया, पहले आया था, अभी सीज़न में नहीं है। अभी सीज़न पे नहीं है।
ये कौन से महीने से होता है? कौन से महीने में आएगा दादा? अभी आ रहा है फल तो, अभी गर्मी जितना गर्मी बढ़ेगा वो फल आएगा, वो फल आएगा। आ गया लेकिन वो छोटा छोटा है, नहीं बढ़ जी। कितना घर है गांव में? कम से कम 85 घर है यहीं पर। 85? सब लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं बरसात ऋतु में बस। कैसी खेती करते हैं? कोई नांगर वाल, कोई धान, बूटा, कोसरा, कोदो, पूरी, लेहूर। ये क्या लगा हुआ है? ये भी कोई इमली बोलते हैं। इमली है? बच्चे लोग खाते हैं अंग्रेजी इमली बोलते हैं। हमको भी खिलाइए अंग्रेजी। कैसे एक्सपर्ट है, फटाफट चढ़ गए हैं। अरे भाई साहब चढ़ गए वो। तो धो लेंगे इसको। ये जंगली इमली है। हाँ हाँ। जंगली इमली बोलते हैं जी। बहुत मीठा लगता है खाने में, बच्चा लोग भी खाता है, हम लोग भी खाते हैं। हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया। लाइए काफी है, आ जाइए। नागर दादा आ जाइए। अंग्रेजी इमली, गंगा इमली और जलेबी बोलते हैं, जंगली जलेबी। मीठी है, देख के समझ आ गया। वो जो ज्यादा वाइट होती है वो थोड़ी सी सीठी होती है, ये मीठी होती है। हल्के लाल, हल्की लाल। क्या बात है। और आप लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका? राजिता। राजिता, राजिता कई नाम है। कैसा है? अच्छा है। तो ये एक्चुअल में सर ये निकाल के बेचेंगे तो इसका रेट ज्यादा हो जाता है। और वो ये 80 रुपए में बेचते हैं ये 1 किलो। हाँ और 1 किलो 80 रुपए। और ये जब ऐसे रॉ में रहता है तो ये कितने में बेच रहे हो अभी दादा आप लोग? 35 का। तो ये थोड़ा सा बस एफर्ट मारना है। ये बीजा भी बेचते हो? बीजा कितने रुपए में बेच? बीजा 10 रुपया। बीजा किस काम में आता है? ओ, डबल रोटी क्या है तो बन रहा है, बेच रहा है। बोल, मैदा शायद बोल रहे हैं लेकिन वो मैदा नहीं होता सर, इसका टेलकम पाउडर में यूज़ होता है। अच्छा। जो टेलकम पाउडर होता है वो इस बीज को क्रश यानी एकदम वो बना के वो टेलकम पाउडर में यूज़ होता है, पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। बहुत बिकता है। बहुत 10। तो ये एक्चुअल में सर ये निकाल के बेचेंगे तो इसका रेट ज़्यादा हो जाता है। और वो ये 80 रुपए में बेचते हैं ये 1 किलो। हाँ और 1 किलो 80 रुपए। और ये जब ऐसे रॉ में रहता है तो ये कितने में बेच रहे हो अभी दादा आप लोग? 35 का। 35 रुपये। तो ये थोड़ा सा बस एफर्ट मारना है। ये बीजा भी बेचते हो? बीजा कितने रुपये में बेच? बीजा 10 रुपये। बीजा किस काम में आता है? ओ, डबल रोटी क्या है तो बन रहा है, बोल, मैदा शायद बोल रहे हैं लेकिन वो मैदा नहीं होता सर, इसका टेलकम पाउडर में यूज़ होता है। अच्छा। जो टेलकम पाउडर होता है वो इस बीज को क्रश यानी एकदम वो बना के वो टेलकम पाउडर में यूज़ होता है, पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। बहुत बिकता है।
कुछ पेड़ यहाँ पे नहीं कटेंगी, जैसे सल्फी का ट्री कभी नहीं काटा जाएगा, महुआ का ट्री कभी नहीं काटा जाएगा, इमली के पेड़ कभी नहीं काटे जाएंगे। और इमली जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मंडी जगदलपुर का है। एशिया का सबसे ज़्यादा इमली जहाँ पे भी पहुँच रहा होगा, साउथ में या अरेबियन कंट्रीज़ में, वो यहीं का इमली इन एंड अराउंड जाता है। मैक्सिमम इमली यहीं से हो रहा है। तो बोलते हैं इमली के ट्रेड में जो आया वो माला माल हो जाता है, जो ट्रेडर्स आते हैं। तीन दिन तो अभी अच्छे रेट्स मिल रहे हैं इस साल इमली का। भाई साहब मैं तो लग रहा है प्योर टोबैको। हाँ वैसे कुछ मिक्स है, अच्छा हाई देता है, स्मेल है। एक नंबर अच्छा हाई देता है सर। क्या नाम है इसका? गुड़ाकू बोलते हैं। गुड़ाकू ये क्या होता है? वो घसने का सर है। इसको ये घसते हैं खाना वाना खाने के बाद भी ऐसे ऐसे करके मंजन टाइप्स का करते हैं। इट गिव्स यू अ गुड हाई। ये गुल गुल की तरह होता है क्या? जैसे गुल होता है। इसमें क्या मिला हुआ था बोले? इसमें नहीं जानते हो सर क्या क्या मिला। कहाँ से आता है? नहीं तो बना नहीं लेते। यहाँ रायपुर से तो आता है, इधर का कहीं और से मिक्स होता है। वहाँ पे फैक्ट्री है रायपुर में। आप लगाते हैं? नहीं सर, कभी ट्राई। यू कैन ट्राई इट। इस्तेमाल करते हैं आप लोग सब? दिन भर से एक दिन में 10-15 बार भी कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा टेस्ट करें क्या? दांत लगा, दांत में, दांत में लगना है। उसके बाद मुंह को बस बंद करके रखना है। है मजा तेज है। जलन जलन हो रहा है। इसमें चूना भी होता है क्या? दांत में दर्द तो नहीं है लेकिन हल्का सा। चला जाए। yes. खाना पक गया है दादा? पक गया। खाया जाए। हाँ। चलिए। अच्छा जोहार। दाल कर रहा हूँ, नांगल माटी, डोडा। भात को डोडा बोलते हैं? डोडा। अच्छा ये है देसी चिकन जिसको पकाया गया है स्किन के साथ। मतलब खाने में इमली का बहुत इस्तेमाल करते हैं जी। यहाँ के पानी बहुत आयरन कंटेंट होता है, तो इमली क्या करता है कि आयरन कंटेंट को थोड़ा सा कम करता है, यानी वो न्यूट्रलाइज करता है थोड़ा। हाँ न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए ज़्यादातर खाने में आप देखेंगे खटासपन रहता है यहाँ पर। ये जो कंट्री चिकन होता है थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में जी, थोड़ा सा मीट जो है हल्का हल्का सा च्यूवी होता है। मेरे साथ में ये भी है ना, जैसे ये चिकन है जो पकाते हैं यहाँ पे, मैंने हर जगह पे देखा है। मैक्सिमम आप किसी भी एरिया में जाएंगे, चाहे असम जाए नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ भी जो ये जितने भी ट्राइबल जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो जब चिकन पकाते हैं स्किन के साथ पकाते हैं। और हम लोगों को शहरों में खाने की आदत नहीं है, हर जगह ही। और हम जो लोग जो शहर में रहते हैं हमें आदत नहीं है जी, तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लगता है, लेकिन ये अच्छा है, ये कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं ये। पहले तो सर रॉ समझते हैं कि रॉ चीज़ें क्या क्या मिलती हैं। जैसे आप जंगल में चले जाते हैं तो बैम्बू के हिसाब से बैम्बू शूट्स भी यहाँ पे काफ़ी तरीके से खाई जाती है। फिर बहुत सारे फ्रूट जो ज़मीन में, यानी फंगी जो होते हैं, इसको मशरूम की बहुत सारी वराइटीज़ भी खाई जाती हैं, काफ़ी वराइटीज़ हैं। स्टार्टिंग बारिश के मानसून के पहले से स्टार्ट होके
फंगाई करीबन सितंबर तक का चलते ही रहता है। फंगाई के बहुत सारे वैरायटीज, मशरूम की काफ़ी सारी वैरायटीज चलती रहती हैं। उसके अलावा जो आप आज खा रहे हैं कांदा, कांदा क्योंकि जंगल में बहुत सारे अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के आते हैं, तो वो डेफिनेटली खाया ही जाता है। सुखा के भी रखा जाता है, बगैर सुखाए भी उस समय जब मिलता है तो काफ़ी सारा खाया जाता है। फिर अगर प्लांट्स, फिर भाजियाँ, तो बहुत सारी भाजियाँ तो एक कहीं भी उगती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि पास में थोड़ा सा इनका जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसमें थोड़ा सा ये अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स, उस सीजनल वेजिटेबल्स उगा लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर भाजियाँ होती हैं। और भाजियाँ में जैसे मुनगा भाजी है, ड्रमस्टिक की भाजी हो गई, और खट्टी वाली भाजी जो होती है, और ऐसे वैरायटी ऑफ भाजियाँ मिलती हैं। तो ये सीज़न होता है जब बारिश के समय ज़्यादातर यानी मशरूम बेस्ड होता है, और थोड़ा शिफ्टिंग होना चालू हो जाता है भाजियों पे, तो विंटर्स तक का भाजियाँ बहुत चलती हैं। गर्मी के समय में सर ज़्यादातर खाना हैवी नहीं किया जाता है। यहाँ पे पेज जो आपने कल लिया था, मड़िया पेज या जोंदरा पेज पे ज़्यादा दिन उस पे ही निकाला जाता है। और साथ में क्योंकि सल्फी, आपने देखा होगा सल्फी बहुत पीते हैं यहाँ पे, तो सल्फी भी पेट को बहुत ठंडा रखते हैं, तो ज़्यादा लिक्विड फूड जाता है रेदर देन गरिष्ठ भोजन बहुत कम। कांदा वांदा बिल्कुल कम हो जाता है इस समय पे खाने। और दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते खाने में? बिल्कुल, दूध माना यही जाता है कि ट्राइब्स का ये फिलॉसफी है, ट्राइबल पीपल का, कि जो मदर मिल्क है वो सिर्फ और सिर्फ उसके काफ के लिए है, उसके बच्चे के लिए है, ना कि हमारे लिए। तो वो यहाँ पे दूध का जो प्रचलन है बिल्कुल ना के बराबर है। चलिए, बहुत बढ़िया खाना था, बिल्कुल शुद्ध, कम मसालों से तैयार किया गया, हल्के तेल में, और बहुत ही अच्छे से परोसा गया साल के पत्ते में, उसी के धोने में। बहुत मज़ा आया खाने में, क्यों ना जना? हैं, तो ये जो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं, जो आदिवासी हैं इनको माड़िया बोलते हैं, और ये माड़िया आदिवासी है। ये गांव भी पूरा सेटलमेंट जो है वो माड़िया आदि ट्राइबल्स का है। और ये इसको इंग्लिश में जो ये डांस फॉर्म जो दिखाने वाले हैं, ये डंडामी माड़िया डांस नृत्य बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइसन हॉर्न माड़िया डांस। इस यहाँ के लोकल भाषा में क्या बोलते हैं इस डांस फॉर्म को, मतलब जो अभी नृत्य होगा और जो गाना होगा? ढोल एंड नाथ बोलते हैं, नाच मतलब डांस करने के लिए, और ये गीत गाने का पाटा पारा नाथ, पाटा पारा नाथ जी, और ढोल ढोल एंदा नाथ, ढोल एंदा नाथ, पाठा पारा नाथ, ढोल एंदा नाथ, पाठा पारा नाथ। शुरू किया जाए? चलिए आइए। चलो आ जाओ सब बच्चा पार्टी। हाँ, जबरदस्त। हाँ मेरा दोस्त।
आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, इतना स्वादिष्ट आपने खाना खिलाया। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी बात पे सब लोग साथ में बोलते हैं जय जोहार, जय जोहार।